तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एमपी में टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। 7,000 सेंटर पर 12 लाख डोज लगने का टारगेट रखा गया। सीएम भोपाल के सुभाष स्कूल में अभियान का शुभारंभ करेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो रही है। तो ऐसे में पहले दिन करीब करीब 7,000 सेंटर पर 12 लाख डोज लगने जा रहे हैं और ये लक्ष्य भी रखा गया है। 2007 से ठीक पहले जन्म लेने वाले किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी और 15 से 18 साल के बच्चे अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा डोज 28 से 42 दिन के बीच लगाने पर वैक्सीन का प्रभाव होगा और खाली पेट नहीं जाना है, नाश्ता करके जाना है। वैक्सीन सेंटर पर जब आप पहुंचते हैं तो फिर ऐसे में खाली पेट बिल्कुल भी ना जाए। तो वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार पहले से ही तमाम तरीके की जानकारियां पेरेंट्स तक भी पहुंचाई जा रही थी और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अब ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था कई सेंटर्स पर देखने को मिल रही है और कितना ज्यादा उत्साह युवाओं के बीच में नजर आ रहे हैं? विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा वैक्सीनेशन सेंटर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो बच्चों को यहां पे बच्चों और उनके माता पिता को उद्बोधन देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ पे बच्चों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है और 15 से 18 बच्चों को जो है यहाँ पे कोवैक्सीन के फर्स्ट डोज आज से लगना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्कृष्ट महाविद्यालय सुभाष उत्कृष्ट महाविद्यालय यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी वॉलंटियर से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद 3 काउंटर यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। इस काउंटर पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और काउंटर में जो है बच्चों और वॉलंटियर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बच्चों का किया जा रहा है और इस रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों के हाथ में जो है फर्स्ट डोज की एक सील मार्क भी लगाया जा रहा है और वहीं बच्चों से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पे जब हमने बच्चों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे यही कहना है, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बच्चों का कहना है कि जहाँ पे हमारे माता पिता और जो बड़े पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीन लगती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो कोविड है, नया वेरियंट है, लगातार तीसरी लहर अब दस्तक दे रही है, ऐसी स्थिति में अब बच्चों की भी जो है वैक्सीन आ चुकी है। तो जो एक माता पिता के चेहरों में टेंशन देखी जाती थी कि बच्चे जब बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो माता पिता अक्सर जो है परेशान होते थे, वो बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते थे, कॉलेज जाने नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में अब वैक्सीन जो है एक सुरक्षित कारगर यहाँ पे साबित होगी और 28 दिन बाद जो है दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो वैक्सीनेशन सेंटर में उन्हीं बच्चों से बातचीत जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके माता पिता कर रहे हैं और मैं आपको ये सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री की दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में है और बच्चों के साथ सेल्फी फोटो भी जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है मुख्यमंत्री सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि एक बच्चों में अलग उत्साह यहां पे देखा जा सकता है। बच्चे जो है मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में मामा कह के बुलाते हैं, अपना मामा मानते हैं और वही भूमिका आज जो है मामा के रूप में मुख्यमंत्री निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है बच्चों से भी बातचीत करेंगे और सीधे तौर पे ये तस्वीर आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर की देख सकते हैं। कुलभूषण, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके की अभी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई है लोगों के चेहरे पर भी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उन्हें किस तरीके से समझाइश यहाँ की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? बिल्कुल, आप वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे हैं। सभी के चेहरों में मास्क देखा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चे
वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है। हालांकि सुबह 9 बजे से जो है वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लगना यहां पे शुरू हो चुका है और बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता को तो फर्स्ट डोज लग चुके हैं लेकिन अभी तक उनके बच्चों को यहाँ पे वैक्सीन नहीं लगी थी, इसलिए कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों की चिंता यहाँ पे रहती थी। लेकिन आज से जो है मध्य प्रदेश और पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में 177 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, 50,000 जो है टारगेट रखा गया है। आप ये तस्वीर मुख्यमंत्री की सीधी मंच से देख सकते हैं। बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरीके से आज से शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर के और जो टारगेट रखा गया है 10 करोड़ का, तो ऐसे में आज पहले दिन क्या कुछ टारगेट रखा गया है और कितने बजे से कितने बजे तक आज लगाया जाएगा वैक्सीन? मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें एवं श्रीमती कृष्णा गौर जी से भी निवेदन है, वे भी स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा का निर्वाह करने के बाद अब बिना किसी औपचारिकता के मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे आप सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और सभी भांजे भांजियों की। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुजूर के हमारे लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, विद्यालय परिवार के हमारे सभी गुरुजन, जिला प्रशासन के सभी साथी और मेरे प्यारे बेटा बेटियों, 15 साल से ज्यादा उम्र के कौन कौन है हाथ उठाओ, सभी हैं। अच्छा ये बताओ वैक्सीन से डर किस किस को लग रहा है, वो हाथ उठाओ जिसको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो डर किसी को नहीं लग रहा, बहादुर बच्चे हैं, कोई नहीं डर रहा और सब वैक्सीनेशन के लिए तैयार। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें, उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है हमें। हमारे वैज्ञानिकों का भी स्वागत करें, भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड की वैक्सीन बनाई है। 140 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। पहले 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने नौजवान थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज से 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर की आहट है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 221 पॉजिटिव केस आए हैं, भोपाल में और इंदौर में, इंदौर में 110 है, भोपाल में 54 है, बाकी जिलों में भी केसेस आ रहे हैं, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है। करना है कि नहीं करना? और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहादुर भांजे भांजी बिल्कुल मास्क लगाए हुए। ये मास्क अभी लगाया या वैसे भी लगा के रखते हो? अभी
ये लगा के रखना है, क्योंकि मास्क सुरक्षा है। और मैंने दुनिया के सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ठीक ढंग से अगर मास्क लगा के रखें तो 90% तक कोविड के वायरस से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो लड़ना तो है, आ तो रहा है, डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन संयम से, होश ना खोते हुए, अनावश्यक भीड़ से बचेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। जब एक बात मेरे मन में है कि हम आर्थिक गतिविधियां ना रोकें, क्योंकि उससे रोजी रोटी, बिजनेस, व्यापार सब ठप हो जाता है, और एक मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके, पढ़ाई चलनी चाहिए ना, क्योंकि 2 साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई में भी हमने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन और स्कूल में आके पढ़ने में अंतर होता है, होता है कि नहीं होता, और इसलिए कोशिश यह है कि स्कूल भी खुले रहें, बाजार भी खुले रहें, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन कोरोना की लहर का मुकाबला करके उसको भी हम हरा दें, पराजित कर दें। तो लड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन लड़ने के लिए सुरक्षा चक्र चाहिए, और कोरोना से सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है, जोर से बताओ ना, क्या है? वैक्सीन। और इसलिए मैं केवल सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बेटे बेटियों से नहीं, यहां से बोल के मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों को यह निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना, ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। सारे विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद, जिनको दोनों डोज लग गए, एक अभी लगा है, दूसरा लगवाना है 28 दिन के बाद ही लगना है ना दूसरा, तो पहला डोज अभी, और जिसको जिस दिन पहला डोज लगे उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगवाना है। अभी दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, केस आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि वो जिनको संक्रमण होता है वो उतना गंभीर नहीं होता जितना दूसरी लहर में हो रहा था, क्योंकि उनने वैक्सीन लगवाई है। अभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा अपने पास है। वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, और जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम वायरस का मुकाबला कर लेते हैं, हमारा शरीर मुकाबला कर लेता है, इसलिए होता तो है संक्रमण, लेकिन उसके कारण हम गंभीर होने से बच जाते हैं, कई को होता भी नहीं है, और हुआ तो भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान फिर प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश से हमारी कोशिश है बेटे बेटियों, क्या हम इसी महीने में 20 तारीख तक ही अपने 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित बना दें, उनको सुरक्षा चक्र दे दें।
राजस्थान को एक असर नहीं छोड़ेंगे। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, महाविद्यालय, विद्यालय के हमारे टीचर्स, सबके सब तैयार है। पहली प्राथमिकता ये कि हम वैक्सीनेशन करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लें। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना का कोई असर, कोविड का कोई असर ना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, देर मत करना, ये टीका जरूर लगवा लेना। स्कूलों में जगह जगह सेंटर बने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं लगवाने की। और जो बेटे बेटी खुद लगवा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है कि अगर किसी ने नहीं लगवाया हो तो उनको भी वो प्रेरित करें, उनको भी लगवाएं। वैसे अपने यहां जो वैक्सीनेशन है प्रथम डोज 18 से ऊपर की उम्र वाली, वो लगभग 95% लोगों को लग चुका है, 95%। और सेकेंड डोज में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर एक के स्थान पे है, हम लगभग 92% लोगों को लगा चुके। और ये एक काम मैं आपको बता रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं, भांजे भांजियों को सौंप दूं, बताऊं, अगर ये पता चले कि किसी ने वैक्सीन अपने घर में, मोहल्ले में, आसपास नहीं लगवाई, तो उससे जरूर ये कहना कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, प्रेरित करना ताकि वो वैक्सीन लगवा ले। बिना वैक्सीन के कोई ना रहे, सबको ये सुरक्षा चक्र मिल जाए। एक अपील करना वैक्सीन लगवाने की, खुद भी लगाएंगे, कोई रह गया तो उसको भी लगवाएंगे। और विशेषकर ग्राम पंचायतों में जो मुझे सुन रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हमारे साथी, मेरे बेटा बेटी बुजुर्ग अगर कोई रह गए हो तो कृपया करके ये वैक्सीन जरूर लगवा लेना, ये जरूरी है। और दूसरी चीज, मैंने कहा कि हम बाकी गतिविधियां भी नहीं रोक रहे, भगवान करे रोकना भी ना पड़े, कॉलेज स्कूल चलते रहे, लेकिन जरूरी है कि मास्क की सुरक्षा हमारे साथ रहे, मास्क जरूर लगाए रखें। और इसलिए मैं अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि कृपया करके मास्क लगाना अपने जीवन की आदत बना लें, जब तक ये वायरस है। ये वैक्सीन और मास्क दो चीज लगी, मास्क तो लगा रहेगा, वैक्सीन तो एक क्षण में लग जाती है, तो हम बहुत कुछ सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को कष्ट और संकट में नहीं देखना चाहते। और वेंटिलेटर की बजाय मास्क लगाना ज्यादा अच्छा है, इसके लिए मास्क को स्वीकार कीजिए, अनावश्यक भीड़ ना हो, ये कोशिश जरूर करेंगे। और जल्दी से जल्दी अपने बेटा बेटियों का भी वैक्सीनेशन का काम पूरा करके उनको सुरक्षित जीवन देंगे, सुरक्षित माहौल देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रह सके। और सभी बच्चों से मेरी अपील है, वैक्सीनेशन खुद भी करवाएं और जो मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी प्रेरित करके सबको लगवाएं, ताकि अपने पूरे प्रदेश को हम सुरक्षित कर लें। यही मेरी अपील है। बोलिए सब साथ देंगे इसमें, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, लेट दे रहा हूं, लेकिन नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में आए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें। और सुभाष स्कूल हो या बाकी विद्यालय, यहां तो मेरिट में आते ही हैं, आते कि नहीं आते, इस बार भी आएंगे ना, इसलिए पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्कार। की शुरुआत अब बस थोड़ी देर में होने वाली है, और साथ ही उन्होंने युवाओं के उत्साह को भी
आप जिस तरीके से देखा, उन्होंने ये भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही है, यानी कि वैक्सीन पर हर युवा को भरोसा है कि वैक्सीन कारगर साबित होगी और वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। इसके लिए उन्होंने अपील की है कि चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और बिना वैक्सीन लिए घर को ना लौटे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।